कोटा से बड़ी खबर है, कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने अपना सर मुड़वा लिया है, ये बड़ी खबर बता रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र के साथ अब बाल भेजे जाएंगे। गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया पर आरोप लगाए हैं कि अवैध खनन माफियाओं को संरक्षण देते हैं। खान की झोपड़िया गांव की कोटा में शामिल करने की मांग है। तो अवैध खनन माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया है गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया पर, और इसको लेकर कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने अपना सर मुंडवा लिया है। तो ये खान की झोपड़ियां गांव को कोटा में शामिल करने की मांग है, और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र के साथ बाल भी भेजेंगे। गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया पर गंभीर आरोप लगाया है अवैध खनन माफियाओं को संरक्षण देने का। प्रणय विजय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणय, बेहद ही गंभीर आरोप लगाया है प्रमोद जैन भाया पर विधायक ने। जी, कोटा जिले के सांगोद विधायक है और पूर्व मंत्री भरत सिंह है, उन्होंने अपना सिर मुंडवा लिया है यार। और भरत सिंह ने अपने बालों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कोटा आगमन के एक पत्र के द्वारा सौंपने के लिए उन्होंने कहा है कि यदि मुख्यमंत्री कोटा नहीं आते हैं तो अपने बालों को डाक के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजेंगे। कल उन्होंने घोषणा की थी अगर मुख्यमंत्री कोटा आ जाते हैं तो वो मुख्यमंत्री नहीं गृह मंत्री का विरोध करेंगे और गृह मंत्री का एक सांकेतिक रूप से रावण का पुतला जलाएंगे। तो उन्होंने जैसा कहा था वैसा किया, आज पुतला दहन नहीं किया है लेकिन उन्होंने अपने बालों को मुंडवा लिया है। और वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों की नतिया है, जिस तरीके से जो खान की झोपड़ियों में अवैध खनन का जो आरोप लगातार लगे पत्रों के माध्यम से मुख्यमंत्री को सूचित करते आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसकी अवहेलना है और वो उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इस मामले को लेकर उन्होंने आज सिर मुंडवाया है और वो आगे भी इसी क्रम को जारी रखने के पूरे मूड में है। उन्होंने अपना पूरा जो घर है, घर के बाहर पोस्टर लगा दिए हैं मुख्यमंत्री के विरोध के, गृह मंत्री के विरोध के, और वो लगातार प्रमोद जैन भाया का विरोध कर रहे हैं और उनके खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। जी प्रणय, चुनाव बेहद नजदीक है और कांग्रेस के ही विधायक का कांग्रेस के ही खिलाफ इस तरह से मोर्चा खोलना एक अच्छी जो इमेज है वो नहीं दर्शाता है। जी, लेकिन आप देख सकते हैं कि भरत सिंह जो है वो पिछले दो वर्ष से विरोध कर रहे हैं और लगातार मुख्यमंत्री को चिट्ठियां लिख रहे हैं, अलग अलग तरीके से पत्र लिख रहे हैं, और जो अब उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की है कि मैं इस बार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो वो खुल के कांग्रेस के खिलाफत के मूड में आ गए हैं। जिस कांग्रेस से धरोहर से वो चलते आ रहे हैं, उनके पिता जुझार सिंह जी कांग्रेस से सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, वो खुद कांग्रेस से तीन बार के विधायक रहे हैं, तो ऐसे में ऐसा लग रहा है कि किसी न किसी तरीके से पूर्वाग्रह से प्रेरित वो नजर आ रहे हैं। और संभावना इस बात की है कि वो जो है उनके आसपास की जो मंडली है वो उनको किसी न किसी तरीके से उकसा रही है। जिस तरीके से हमने मालूमात की है कि भरत सिंह कितना उग्र क्यों है, तो वो बात सामने आई कि उनके आसपास के जो लोग हैं उन पर भी अवैध खनन के आरोप हैं। तो ये आपसी रंजिश का मामला है जो प्रमोद जैन भाया के साथ उनकी पिछले कई दिनों से चली आ रही है। चलिए, आप नजर बनाए रखिए प्रणय, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने अपने फिलहाल सर मुंडवा लिया है और सर मुंडवाने के बाद अब ये बाल अगर मुख्यमंत्री कोटा पहुंचते हैं तो वहां पर उनको देंगे, और नहीं पहुंचते हैं अगर मुख्यमंत्री किसी कारणवश तो फिर ये बाल डाक के जरिए मुख्यमंत्री को पहुंचाए जाएंगे। और मंत्री प्रमोद जैन भाया पर गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं।